उधर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो आज भारत पहुंच रहे हैं। भारत प्रवास के दौरान पोम्पियो पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों ही देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर साझेदारी बढ़ाने पर बात होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो दो दिनों के भारत दौरे पर पहुंच गए। पोम्पियो अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी विदेश मंत्री जयशंकर से मिलेंगे। आज रात 8 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। पोम्पियो ईरान से तेल आयात को लेकर भारत से चर्चा करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा होगी। ओसाका में G20 बैठक के लिए ट्रंप मोदी वार्ता के एजेंडे पर सहमति बनाई जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो आज दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान दोनों देश द्विपक्षीय संबंध और मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पोम्पियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से मिलेंगे। इस बीच भारत के रूस के साथ हथियारों को लेकर हुए करार पर भी बातचीत होगी। वहीं 27 से 29 जून के बीच होने वाले जापान के ओसाका में G20 सम्मेलन से पहले हो रही पोम्पियो की इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। झारखंड और यूपी में आज की सुबह हादसों वाली रही। झारखंड के गढ़वा में बीती रात करीब 2:30 बजे यात्रियों से भरी हुई एक बस पलट गई। वहीं यूपी के कुछ जिलों में बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। यानी कि एक तरफ दिल्ली में मॉनसून का इंतजार हो रहा है तो दूसरी तरफ कई शहरों में बारिश कहर ढा रही है। यूपी में बारिश और बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत। झारखंड के गढ़वा में बस हादसा। यूपी के हरदोई, सीतापुर और जालौन में बिजली गिरने से अब तक 17 लोगों की मौत, 19 घायल। झारखंड के गढ़वा में बीती रात एक बस खाई में गिरी, 6 लोगों की मौत, 40 घायल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से गढ़वा आ रही थी बस, यात्रियों को शीशे तोड़कर निकाला गया। यूपी के कई जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के बलरामपुर में मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन बाढ़ में फंसी, SDRF की टीम ने बचाया। यूपी के कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने से भारी तबाही हुई है। अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कई लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। यूपी के बलरामपुर में अचानक आई बाढ़ में मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन और स्टाफ फंस गया। SDRF की टीम ने यूनिट के सभी स्टाफ को सुरक्षित निकाला। ये मेडिकल यूनिट आसपास के गांवों में कैंप लगाकर ग्रामीणों का इलाज करने गई थी। वापस लौटते वक्त अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गई। बहाव इतना तेज था कि कुछ ही मिनटों में आधी एम्बुलेंस पानी में डूब गई। आगे से ट्रक निकला हुआ, उसके पीछे से हम लोग सोचे कि वो ट्रक निकल गया और हम लोग सोचे कि हमारी बहन भी निकल जाएगी और हम लोग निकालने की कोशिश किया। तब तक जो है धार में गाड़ी अचानक बंद हो गई और दोबारा में स्लिप लगाई गई, लेकिन हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। 5 घंटे वहाँ फंसे रहे। 12 बजे रात को हमें PSC के द्वारा बाहर निकाला गया और सुरक्षित हम लोग वहाँ पहुँच गए। दूसरा बड़ा हादसा बीती रात झारखंड के गढ़वा अंबिकापुर मार्ग पर हुआ। अंबिकापुर से गढ़वा आ रही बस खाई में पलटकर बीच में ही फंस गई। इस हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई और करीब 40 घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। दबे यात्रियों को निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। कई यात्रियों को बस के शीशे तोड़कर निकाला गया। गाड़ी